पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सपा के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि भारत की राजनीति ही नहीं बल्कि देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जिस वक्त देश को नेताजी की बहुत ज्यादा जरूरत थी उस वक्त ऊपर वाले ने नेताजी को अपने पास बुला लिया है। भारत की राजनीति में सांप्रदायिकता के सबसे बड़े मुखालिफ थे वो और नेताजी सबसे ज्यादा इसका विरोध करते थे। उन्होंने कभी सांप्रदायिक राजनीति नहीं की, उन्होंने सभी को जोड़ने का काम किया, सभी को साथ लेकर चलने की बात कही और दिलों को जोड़ने की बात कही थी। नेताजी अपने कार्यकर्ताओं से बहुत मोहब्बत करते थे, सभी को करीबी का एहसास कराते थे, कभी भी कोई नाराजगी नहीं होती थी, अगर कोई नाराज भी होता था तो उसे वो मनाते थे। आज एक मुखिया का साया हमारे सिर से उठा लिया। परिवार पर बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग एक साथ आएं और साथ मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के सपनों को अब अखिलेश यादव पूरा करेंगे। तो क्या देखिए, भारत की राजनीति ही नहीं बल्कि देश को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। आज जिस वक्त नेताजी की देश को बहुत सख्त जरूरत थी, ऊपर वाले ने उन्हें अपने पास बुला लिया। भारत की राजनीति में सांप्रदायिकता के सबसे बड़े अगर मुखालिफ थे तो वो नेताजी थे। उन्होंने कभी सांप्रदायिक राजनीति नहीं करी, उन्होंने सबको दिल जोड़ने की बात करी, सबके साथ लेके चलने की बात करी और सबका हक देने की बात करी। सर, आपका भी सियासी सफर में मुलायम सिंह के साथ भी तो हुए कुछ पल रहे होंगे, उन्हें थोड़ा सा दे। देखिए, नेताजी अपने कार्यकर्ताओं से बहुत मोहब्बत करते थे और ये उनकी क्वालिटी थी कि उन हर कार्यकर्ता को ऐसा लगता था कि जैसे नेताजी उससे ही सबसे ज्यादा करीब है। नेताजी से अगर कभी किसी बात पे कोई मतभेद हो जाए या हमें कोई एहसास होने लगे कि नेताजी ने हमारा ध्यान नहीं रखा, नाराजगी तो सवाल ही नहीं कि हम नाराज हों उनसे, तो वो मनाते थे बाकायदा, हंसते थे, हंसाते थे, कहते थे। तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई परिवार का मुखिया है, अपने बच्चों से नाराज भी हो रहा है, अपने बच्चों को खुश भी कर रहा है। तो हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे ऊपर से एक बहुत बड़ा साया इस वक्त ऊपर वाले ने छीन लिया। अच्छा सर, आखिरी सवाल यह है कि जैसे मुलायम सिंह के रहते हुए परिवार में काफी बिखराव हुआ, क्या माना जाए आने वाले टाइम में? देखिए, हम तो ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं कि समाजवादी लोग सब एक साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाएं और देश से नफरत करने वाली शक्तियों का खात्मा करें, प्यार मोहब्बत गंगा जमनी तहजीब बापू के सपनों को साकार करने की कोशिश करें। हमारी तो यही तमन्ना है, कोई भी इंसान अगर ऐसी शक्तियों से मिलता है जो देश में बांटने की राजनीति करती है, उससे हम सबको दूर रहना चाहिए। अच्छा, मुलायम सिंह यादव की विरासत को अखिलेश यादव कहां तक साकार करेंगे? पूरी पूरी उम्मीद है हमें, क्योंकि अखिलेश यादव जी में वो सारी क्षमताएं हैं जो मुलायम सिंह यादव जी में थी। वो उनके जाहिर है उनके बेटे हैं और उनका भी वही एटीट्यूड और वही आदत और वही किरदार है अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ।